आज का टॉपिक है टॉप 5 गूगल ड्राइव फीचर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं गूगल ड्राइव क्या है। गाइस गूगल की तरफ से एप्लीकेशन है जो कि आपको क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करती है। गाइस इसके आज की वीडियो में आपको 5 अमेजिंग फीचर्स बताने वाला हूँ। दोस्तों काफी बेसिक फीचर्स है पर आपके काफी काम आने वाले। दोस्तों कई लोगों को इसका नहीं पता इसलिए मैंने वीडियो बनाना अच्छा समझा। इसलिए दोस्तों अगर आपको भी नहीं पता तो आज की वीडियो में आप जान लीजिए इसके 5 बेसिक फीचर्स जो कि आपके काफी काम के आने वाले। दोस्तों मेरा नाम है मनीष। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस अगर हम नंबर 1 फीचर्स की बात करें इसमें आप अपना कोई भी डाटा अपलोड कर सकते हो गाइस बैकअप के तौर में, जिससे आपका डाटा सेव रहेगा। और आपको एक बात बता देता हूँ गाइस, इसमें आपको सिर्फ मात्र 15 GB क्लाउड स्टोरेज मिलती है। दोस्तों अगर आप 15 GB से ज़्यादा यूज़ करना चाहते हो सिंपली आपको परचेज करना पड़ेगा या आपको दूसरी जीमेल का यूज़ कर सकते हो। इसलिए दोस्तों आपको एक जीमेल में 15 GB क्लाउड स्टोरेज मिलेगी। दोस्तों अगर मैं बताऊँ आपको इसको अपलोड कैसे करना है, दोस्तों आपको सिंपली करना कुछ नहीं है। आपको दोस्तों यहाँ आपको फाइल सबसे इधर वाले फाइल के ऑप्शन में जाना है। आप सिंपली कोई भी फाइल वगैरह क्रिएट कर सकते हो। यहाँ आपको क्रिएट प्लस वाले आइकन में सिंपली क्लिक करना है। यहाँ आपको फोल्डर का ऑप्शन मिलता है। दोस्तों आप कोई भी फोल्डर वगैरह क्रिएट कर सकते हो। यहाँ आपको अपलोड का ऑप्शन मिलता है। जैसे सिंपली भी कोई भी अपलोड करता हूँ दोस्तों, जैसे मैं एक फोटो अपलोड कर लेता हूँ। इसमें अपलोड करने के बाद थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों, सिंपली अपलोड हो जाएगी अपने आप दोस्तों। और फिर आप कभी भी इसे डाउनलोड कर सकते हो या आपके उसमें क्लाउड स्टोरेज में सेव रहेगी अगर आप अपने फ़ोन में अनइंस्टॉल मारना चाहते हो इस चीज़ को। काफ़ी कमाल की चीज़ दोस्तों, आप डेफिनेट ट्राई कर सकते हो। गाइस अगर हम बात करें फीचर नंबर 2, गाइस जैसे कि आपने देखा होगा जो कई यूट्यूबर्स वगैरह होते हैं वो अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देते हैं जिसके अंदर आप जाके डाउनलोड वगैरह कर सकते हो। दोस्तों अगर आप भी वो लिंक क्रिएट करना चाहते हो आप सिंपली इसकी मदद से कर सकते हो। आपको करना कुछ नहीं दोस्तों, जो भी चीज़ आपने अपलोड की सिंपली आपको 3 डॉट में क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिल रहा है कॉपी लिंक का। दोस्तों अगर आप कॉपी लिंक को कॉपी करोगे और किसी को पेस्ट करके आप भेजोगे सिंपली, अगर वो लिंक में जाके उसे डाउनलोड कर सकता है। और दोस्तों साथ ही साथ आपको एक और ऑप्शन मिलता है जहाँ है मैनेज पीपल एंड लिंक। दोस्तों इसमें क्लिक करने के बाद सिंपली आपको एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे चेंज का। दोस्तों यहाँ आप तो एनीवन विद द लिंक। दोस्तों अगर आप याला ऑप्शन को क्रिएट करोगे तो आप जिसको भी लिंक भेजोगे वो सिंपली डाउनलोड कर सकता है, या आप सिंपली उसे रिस्ट्रिक्टेड कर सकते हो जिससे जो बंदे आपने ऐड किए होंगे सिर्फ ये लिंक उन्हीं को मिलेगी, उन्हीं वही लोग इस लिंक को क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। गाइज ये भी काफ़ी कमाल का फीचर है, आप ये भी डेफिनेट ट्राई कर सकते हो। अगर हम नंबर 3 की बात करें गाइज, अगर आप कोई भी डाटा वगैरह अपने ऑफलाइन मोड में देखना चाहते हो, मतलब आपके पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, आप फिर भी अपना जो जो आपने डाटा अपलोड किया आप सिंपली देखना चाहते हो, सिंपली आपको 3 डॉट में क्लिक करना है। यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है मेक अवेलेबल ऑफलाइन। दोस्तों आपको सिंपली इसमें क्लिक कर देना, उसके बाद ही अपने आप अवेलेबल ऑफलाइन में हो जाएगी। फिर आपको देखना होगा आपको सिंपली 3 डॉट में क्लिक करना है और यहाँ आपको ऑफलाइन वाले ऑप्शन में आना है। जो जो चीज़ें आपने ऑफलाइन की होगी सिंपली आपको शो हो जाएगी। दोस्तों नंबर 4 की बात करें गाइज, अगर आपको कोई भी बैकअप वगैरह बनाना है, मतलब सिंपली जैसे कि अगर मैं 3 डॉट में आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, यहाँ आपको सिंपली सेटिंग में जाना है। दोस्तों यहाँ ऑप्शन मिलता है बैकअप एंड रीसेट, आपको सिंपली इसमें क्लिक कर देना है। दोस्तों उसके बाद आपको सिंपली यहाँ बैकअप वाले ऑप्शन में जाना है। आप देख सकते हैं अगर आप दोस्तों अगर आप अपने ऐप का डाटा या SMS टैक्स का वगैरह या डिवाइस सेटिंग या कॉल हिस्ट्री अगर आप इसका बैकअप क्रिएट करना चाहते हो सिंपली दोस्तों आपको ये बैकअप वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। बैकअप नाउ में क्लिक कर देना, आपका डाटा बैकअप हो जाएगा। दोस्तों अगर आप कोई नए फ़ोन में जीमेल वगैरह डालते हो तो सिंपली ये सब आपका रिस्टोर हो जाएगा। काफ़ी कमाल का ये भी फीचर है दोस्तों। अगर हम नंबर 5 की बात करें गाइस, ये काफ़ी बेसिक फीचर है, मतलब जैसे कि अगर आप इसका गूगल ड्राइव का थीम वगैरह चेंज करना चाहते हो सिंपली आपको करना कुछ नहीं, सिंपली आपको सेटिंग में जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जाना है चूज थीम सेट बाय बैटरी सेवर। दोस्तों आपको सिंपली इसमें क्लिक करके आप डार्क थीम कर सकते हो, लाइट थीम कर सकते हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा थीम वगैरह आप अपने उससे क्रिएट कर सकते हो जो कि काफ़ी अच्छा है दोस्तों अगर आप ये इसका यूज़ करते हो, अगर आपको बैटरी सेव वगैरह करना है। यही थे दोस्तों आज के 5 बेसिक फीचर्स जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने डेली बेसिस में। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों शेयर कर देना जिनको इस गूगल ड्राइव एप्लीकेशन के बारे में पता नहीं है। इसलिए दोस्तों धन्यवाद।